बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है पोटैटो पीस कढ़ाई। जब आप खाएंगे तो आप इससे भी अच्छा नाम देंगे। चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं पैन को हीट कर लूँगी और अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल करूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें मेथी दाना शामिल करूंगी और इसे रोस्ट कर लूंगी 1 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इससे भी ये जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। क्वांटिटी आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी शो हो रही है। अब मैंने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के और उनमें से हाफ जो है मैं अब ऐड कर रही हूँ और वो मेथी दाना और जो है ज़ीरा के साथ फ्राई हो रहे हैं। इससे वो दोनों चीज़ें भी नहीं जलेंगी, मेथी दाना और ज़ीरा जो है, और ये भी फ्राई हो जाएंगे। प्याज हाफ लिए थे मैंने, अब ये मैंने मटर ले लिए हैं। मटर की क्वांटिटी जो है वो मेरी 450 ग्राम है और इसमें कुछ शिमला मिर्च के टुकड़े भी थे, ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने ये जो है डाल दिए। और अगर आपके पास नहीं हो तो मत शामिल करें, बस इसको मैं इसमें कुक कर लूँगी 10 मिनट के लिए। मटर जो है वो मेरे फ्रोज़न हैं और आपको मैंने जैसे अपनी पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि मैं मटर जो है फ्रीज़ कर देती हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए। अगर आप मटर की रेट्स कम हो तो आप उन्हें लें और उनके दाने निकाल के उनके पैकेट बना के आप रख दें, जब भी ज़रूरत रहे तो आप उसे यूज़ करें। इस तरह बहुत फ़ायदा रहता है और बहुत से लोग करते भी हैं। इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट ऐड करती है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ, मुझे पहले ऐड करना चाहिए था, तो उसके लिए ये है कि ये साथ साथ ही कुक होगा और मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, तो इसमें इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे लाजम ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक का ऐड किया है, बहुत मज़े का है। आप इसे गेस्ट आए उनके सामने भी रख सकते हैं, सब बहुत इंजॉय करेंगे। मैं कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं होती है जो कि टेस्टेड ना हो तो मैं उसे दूँ। 100% जब पसंद आती है सबको तो वो मैं देती हूँ। अब मैंने इसमें आलू ऐड करती हैं। आलू मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ 1 केजी के हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ आलू मेरे थोड़े से ज़्यादा थे तो आप चाहें 1 केजी ही रख लें। इवन आप वेजिटेबल्स भी अपने टेस्ट के जो मुताबिक या जो आपको पसंद हो वो वैसे ऐड कर सकते हैं, अच्छी रहती हैं वेजिटेबल्स। आप अगर उन्हें डिफरेंट तरीक़े से बनाएं तो बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। खाना सभी अच्छा बनाते हैं। आप खाना बनाने से शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए और जब भी आप खा ये बना रहे होते हैं जो जो दुआएं आपको याद होती हैं आप वो पढ़ते जाएं, उससे आपका खाना बहुत अच्छा भी बनेगा, उसमें टेस्ट भी होगा और वो आपके लिए बायस बरकत भी होगा। पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें वरना आप उसे वैसे ही कुक कर लें, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी भी छोड़ती हैं तो उसमें बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अब मैं इसमें 3 टमाटर शामिल कर दूंगी चॉप किए हुए। जब आप सब्जियों को इस तरह कुक करते हैं साथ साथ पहले जैसे वैसे, वरना तो हम मसाला पहले बनाते हैं प्याज के साथ और टमाटर और सारी स्पाइसेस ऐड करके, तो उसका फ्लेवर कुछ और होता है। जब आप इस तरह कुक करते हैं तो इसका फ्लेवर कुछ और होगा। तो आप सब सब्जियों को अच्छे से कुक कर लेना है।
इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसको लिड लगा के 10 मिनट के लिए पका लूँगी। और अब मैं इसमें 3 से 4 गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो शामिल कर दूँगी। और एक मैंने ब्लैक वाली इलायची जो है वो शामिल की है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आप बेफिक्र रहिए, स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होंगे। वैसे भी हम आलू मटर की कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स हैं, आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरे पास मैरिनेटेड मसाला रखा हुआ था। आपने मेरी पहली रेसिपी में देखा होगा, मैंने चिकन टिक्का बनाया था, चिकन मलाई चिकन टिक्का बोटी था ऐसे कोई, तो इसका वो जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है मैरिनेशन के जब मैं करते हैं तो फिर उसके टिक्के मैंने बना लिए थे, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप कर दें, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दही था और इसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस थे, ये 2 टेबल स्पून के करीब बना था, वो मैंने शामिल कर दिया था। तो अगर कभी आपके पास ऐसे कुछ बच जाए तो आप उसे रख दें। अब इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया है 1½ टीस्पून, और ब्लैक पेपर इसमें 1 टीस्पून शामिल की है, वरना लेफ्ट ओवर मसाला की जगह आप 2 टीस्पून दही के शामिल कर दें तो वो भी सही रहेगा। तो अब ये मैंने कढ़ाई मसाला जो आपको दिखाया है पैकेट, अब मैं इसमें 1½ टीस्पून कढ़ाई मसाला का शामिल कर दूंगी। इसी की वजह से मैंने इसे आलू मटर कढ़ाई का नाम दिया है। और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बनता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जलने नहीं पाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लिया है और ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें धनिया और ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी और सूखी मेथी शामिल कर दूंगी इसमें, और इसे 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी और फिर फ्लेम ऑफ करके इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। मेरा खाना रेडी हो गया है। इसे मैंने धनिया, ग्रीन चिली, जुलियन कट अदरक और लेमन के स्लाइसेस से गार्निश किया है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सबको दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।